हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी आज का दिन है, शायद कुछ फ्राइडे है आज। तो काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं बना पाए हैं, क्योंकि हम लोग आए थे इगतपुरी सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीज़न से। और यहाँ हमारे सेंट्रल रेलवे के पांचों डिवीज़न के आए थे, सोलापुर, मुंबई, भुसावल, पूना, नागपुर के। यहाँ हमारा ट्रेनिंग था 7 दिन का STC में, और जो कि इगतपुरी में है। तो हम लोग ट्रेनिंग करने के बाद आज फ्री हुए हैं। आज लास्ट डे है, आज आप सब अपने अपने घर चले जाएंगे। तो मैं सोचा आपको हमारा ट्रेनिंग सेंटर सेंट्रल रेलवे इगतपुरी का मैं बता देता हूँ किस प्रकार से है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये महिंद्रा कंपनी स्कॉर्पियो जो बनती है, स्कॉर्पियो यहीं बनती है इगतपुरी में। उसका इंजन वगैरह स्पेयर पार्ट ये इगतपुरी में जो है महिंद्रा का शोरूम है, कंपनी है, प्लांट है ये, उसके क्वार्टर्स हैं ये रास्ता। और ये हमारा जो है ये ट्रेनिंग सेंटर है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेनिंग हुई है हमारी। 7 दिन से हम अंदर कैद थे, आज हम निकल रहे हैं। तो ट्रेनिंग सेंटर सोचा एक बार आपको घुमा देता हूँ। ये जो ऑटो है ये हमारे लिए सामान लाते थे, ले जाते थे, और काफ़ी चीज़ यहीं हुई है। इससे बाहर हम नहीं निकले। यहाँ काफ़ी बारिश हो रही है और ये रेनी सीजन है, महीना है अभी, आप देख सकते हैं जुलाई का। अभी हम जुलाई 2023 में हैं। और ये ट्रेनिंग है, ये जो ये रूम है, यहाँ हमारे जो ट्रेनर्स थे जो हमको सिखाते थे सर लोग, वो रहते थे। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम लोग रहा करते थे जितने हम लोग ट्रेनीज हैं। और यहाँ पर भी हम लोग ट्रेनीज हैं। ये रेलवे का जो है ट्रेनिंग सेंटर के साथ साथ हॉलीडे होम है। एक्चुअली हमारा ट्रेनिंग सेंटर इससे थोड़ा आगे था 500 मीटर, बट वो ब्रिटिश टाइम का था, तो टूटने के कारण हमने ये रेलवे का जो हॉलीडे होम है जिसमें आप लोग रह सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, रेलवे एम्प्लॉयज़ और उनके बच्चे, उसके लिए हमने ये बुक कर लिया था। तो इसमें अभी कोई नहीं रह पा रहा। आप यहाँ झाड़ देख सकते हैं, झाड़ की स्ट्रीम्स पे आपको पत्तियाँ नज़र आ रही होंगी, लीव्स वगैरह, जो कि उसको साइंस के हिसाब से तो होमोजीनियस लीव्स कहते हैं, होमोजीनियस प्लांट। बाकी अब आप आपके हिसाब से देख लो क्या कहते हैं। आपको जब ज़्यादा जानकारी हो तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं ये किस चीज़ का है। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी हरियाली है इगतपुरी में। और जितने भी हमारे रेलवे एम्प्लॉयज़ है, अगर वो इगतपुरी घूमने आना चाहते हैं तो ये बुक कर सकते हैं, हमारे लिए फैसिलिटी बनी हुई है। ये ट्रेनिंग सेंटर आप बुक करके यहाँ आपकी फैमिली के साथ रह सकते हैं। ये हमारे सोलापुर डिवीज़न के बंदे, ये भाई हमारे जो हैं सोलापुर डिवीज़न से सेंट्रल रेलवे में। आप ये भी हमारे साथ ट्रेनिंग में थे। सोलापुर के टोटल कितने लड़के थे अपने साथ? सोलापुर के 7 लड़के थे हमारे साथ, और जिसमें से 3 लोग सर्विस में भी थे, जो कि हमारे लिए खाना वगैरह बना रहे थे, हमारी हेल्प कर रहे थे। आपका नाम क्या है? दीपक। पूरा नाम बताओ यार। दीपक कोपा। तो हमारे कोपा भाई सेंट्रल रेलवे से सोलापुर डिवीज़न से हैं। दीपक, तुमको लाइक शेयर और फॉलो करो हमारे भाई के लिए। थैंक यू। और इनका इंस्टाग्राम ID भी मैं आपको दे दूंगा। और जो भी हमारे स्काउटर्स और हमारे रेलवे के लोग देख रहे हैं, आपको ये जानकारी हुई है, जिसको ये जानकारी नहीं थी, और आपको हमारे रूम्स वगैरह अंदर से कैसे थे, हम कैसे रहा करते थे, वो भी दिखा देता हूँ। शायद अभी यहाँ बारिश के कारण लाइट का सप्लाई कट हुआ है 10 मिनट के लिए, तो आएगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर हम लोग रह रहे थे। और ये तो हमारा मेन गेट है जो आप सामने से देख रहे हैं। बाय बाय भाई, बाय। तू जा रहा है इतनी जल्दी? बैग रख रहा। ये आप अंदर से रूम देख सकते हैं, बेड हमने सब फोल्ड कर दिया है। और रूम देखो हमारा कितना गंदा हो चुका था। ये हमारे सामान है, सोफ़ा वगैरह, ये सब मैंने तो ये टेबल के नीचे अपना बैग रख दिया है, और ये सोफ़ा वगैरह लगा हुआ है। हम लोग बॉयज़ लोग थे तो आप समझ सकते हैं, गंदगी है, कपाट वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे हम लोगों को। और अंदर एक और रूम है, जो कि मैं आपको बताता हूँ, हम लोग तो यहीं अंदर सोते थे, और हमारे काफ़ी बच्चों का ये रखा हुआ है। और फ़ैन बच्चे लोग चालू छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनके घर का बिल नहीं आ रहा है, रेलवे का है, तो उनका कहना है जो करना है वो करो, अपना कौन सा पैसा जा रहा है, सरकार भर रही है। कपड़ा भी सूख रहा है, और क्योंकि बारिश बाहर है इसलिए हम लोग कपड़े नहीं सुखा सकते। ये चार्जिंग बोर्ड है, और ये हमारे संतोष भाई हैं सोलापुर डिवीज़न से, संतोष भाई जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हैं, है ना संतोष भाई? आप इंजीनियरिंग में है ना? हाँ। संतोष भाई हमारे इंजीनियरिंग में, एक बार बाथरूम दिखाता हूँ। तो भाई बाथरूम तो अच्छा था, यहाँ पे भी एक रूम है अंदर, लेकिन हम लोग इसमें जाते नहीं थे। बाथरूम अच्छा होने के कारण हम लोगों ने इसको गंदा कर दिया है, क्योंकि हम
23 लड़के थे यहाँ, 23 बॉयज थे जो कि ट्रेनिंग में थे। ये बाथरूम है, तो अंदर से दिखा देता हूँ एक बार। जुगाड़ू हैं रेलवे के, जो कि बारिश के पानी से ही अपने सामान धो ले रहे हैं, बॉटल वगैरह। ये देखो इनको, ये साफ सफाई में लग गए हमारे। और ये हमारे सर्विस रोवर है, हमारे भाई नागपुर से हैं, रोहित भाई। आप भी नागपुर से है क्या? सोलापुर डिवीजन के हैं रोहित भाई, हमारे नागपुर के। रोहित भाई आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? इंजीनियरिंग के है। अमित भाई है ये हमारे, अमित भाई से भी मिलो, खाना अच्छा बनाते। और ये हमारा दूसरे साइड का जो है रेस्ट हाउस है, यहाँ पे भी देखो कितनी गंदगी पड़ी हुई है, क्योंकि बॉयज़ लोग पूरा गंदगी कर देते हैं। सब सुविधा दी है रेलवे ने, लेकिन ये लोग यूज़ करना नहीं जानते हैं, क्योंकि सब गंदगी करते हैं। यहाँ पे भी सेम वही तरीके से, शायद लाइट वगैरह बंद है। ये देखो सामान सभी की पैकिंग चालू है, यहाँ लाइट है, रुको मैं लाइट लगाता हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखो सभी ने सामान पैक करके रखा है। हमारे भाई सो रहे क्या? आप गई नहीं क्या घूमने? बारिश की? अरे सब तो छाता लेके गए, आप क्यों नहीं गए? छाता नहीं था ना, तो एडजस्ट हो जाते किसी के साथ पीछे। आपके इधर से भी है? हमारे इधर से तो, हमारे डिवीजन का तो एक भी नहीं रुका, सब मैं अकेला वीडियो बना रहा बस। आप भी? मैं जा रहा अभी वहाँ पीछे झरने पे, चल रहे क्या? छाता एडजस्ट हो जाएगा, टेंशन मत लो। रेनकोट भी नहीं लाए क्या? वही तो आ रहा है। आपका आपका नाम क्या है? अनिल यादव। नागपुर डिवीजन से अनिल यादव भाई। कौन से डिपार्टमेंट से आप? इंजीनियरिंग से। ये भी अनिल यादव भाई हमारे नागपुर डिवीजन से। ये रूम भी वैसा ही सेम है, बाथरूम वगैरह तो मैंने आपको अंदर दिखा दिया था, और किचन वगैरह भी है। किचन भी आपको अच्छे से एक बार घुमा देता हूँ अभी। इसको करो पंखा चालू है, कोई बंद नहीं कर रहा है। हमारे खुद भाई हैं जो कि सोलापुर डिवीजन से हैं, और बहुत ही अच्छे हैं, और स्वभाव इनका बहुत प्यारा है। मेरे को तो इनसे पहली बार मुलाकात हुई, इनसे दोस्ती बढ़िया लगी। और एक बड़े आदमी है, स्काउट में यही सिखा जाता है, एक बंदा, हाँ एक बंदा दूसरे बंदे की मदद करना चाहिए, और फ्रेंडशिप हो जाती है। और ये सब डिवीजन के लोग मिलके रहते हैं। पांच दिन का ये रहता है, 7 डेज का था आज अपना। पर वो जिंदगी भर आदमी बंदा नहीं बोलता है, बंदा नहीं बोलता है, बातचीत करती है और मजा करता है। ये ऐसे आप देख सकते हैं, यहाँ पेटी वगैरह रखी है, चेयर्स वगैरह हमारी। अरे किचन के लिए आया है, हमारा किचन था। ये यासीन भाई है हमारे, जो 7 दिन में हमको बहुत अच्छा खाना बना के खिलाते थे सोलापुर डिवीजन से। और अमित भाई बहुत मेहनत करते थे। ये देखो आप खाना किस तरीके से बनता था। और यहाँ पूरा राशन वगैरह रखा हुआ है, बिस्किट वगैरह है, और यहाँ पे बिस्किट भी गायब होते थे। आपको खाना है तो आ सकते हैं, बिस्किट बहुत मिलेंगे। और ये किचन के बैक साइड का एरिया है, सामने जो दिख रहा है वॉशरूम है। और यह सामने जो दिख रहा है आपको, ये भी एक रेस्ट हाउस है। और यहाँ 24 घंटे बारिश होती है, घूमने लायक है इगतपुरी, आप आके घूम सकते हैं। तो एक साथ रहना, और बिजनेस को बिजनेस पार्ट तो ऐसा कुछ करोगे। हाँ तो सर आप बोल दो ना दो शब्द ये, तो आपकी वजह से अगर हम भी फेमस हो गए तो बहुत अच्छा लगेगा हमको। मेरा फायदा है, आपका फायदा ही। क्या बोला? लाइफ मोटिवेशन। लाइफ मोटिवेशन दे दो सर हमारे ट्रेनिंग के बारे में, बच्चों के बारे में, जो नए आना चाहते हैं उनके बारे में। लाइफ सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए सर। आपका सर का इंटरव्यू नहीं। ये देखो आप इसको देख सकते हैं, इसका रिनोवेशन भी चालू है। ये क्या कर रहे हैं आप? कलर मार रहे हैं क्या? कलर निकाल रहे हैं।
ये आप देख सकते हैं कलर निकाल रहे हैं अभी, इसकी घसाई कर रहे हैं क्या, पुट्टी लगा दी है क्या, पुट्टी की घसाई कर रहे हैं ना, दरवाजे की भी घसाई कर रहे हैं। तो ये आप लोगों ने देखा यहाँ रेनोवेशन का भी प्रोजेक्ट चालू है दूसरे वाले रेस्ट हाउस में, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देते हैं। ये जो रास्ता है ना ये पहाड़ों की तरफ जाता है और आगे झरना भी है और नदी भी है, शेर चीते भी है, आपको वहाँ चल के दिखाते हैं अभी। ये नंदेश्वर चीते के साथ में, ये आप देख सकते हैं कितना हैवी रेनफॉल हो रहा है पूरा। जितने दिन से हम यहाँ आए हैं अभी तक रेन बंद नहीं हुआ है, पूरा चल ही रहा है, पूरा बारिश ही बारिश है यहाँ। आप सब आओ घूमने के लिए, बढ़िया जगह है। ये जो आप देख रहे हैं ये इगतपुरी का फिल्टर हाउस है, जल शुद्धिकरण केंद्र, यहाँ पानी का फिल्ट्रेशन करके पूरे इगतपुरी में दिया जाता है। और ये रास्ता नीचे जाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ रेन फॉरेस्ट रिसोर्ट वगैरह क्या क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और यही रास्ता सीधा सीधा नीचे जाता है, बस यहाँ आपको शेर चीते से बच के रहना है। जगह जगह पे नोटिफिकेशन लिखा हुआ है कि आप शेर चीते से बच के रहिए। और ये देखिए आप कितनी एडवेंचरस जगह है, पूरा पहाड़ी पहाड़, जंगली जंगल और हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ, और पूरा बारिश ही बारिश। और इस बारिश में हम घूम रहे हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा, यहाँ पूरा अलर्ट रह के आपको चलना पड़ता है। ये आप देखो, अब आपको कैमरे में बारिश दिख रही है नहीं दिख रही है, बट रोड तो आपको पूरे गीले दिख रहे होंगे, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो, रोड से ही आप अंदाज़ा लगा लो कि कितना मेरा फ़ोटो ब्लर आ रहा है, इसलिए मैं अपने आप को ले नहीं रहा हूँ। ये आप देखो कितना मस्त आ रहा है व्यू। मेन चीज़ तो यही था जो मैं आपको दिखाने लाया था, एक झरना है बहुत बड़ा यहाँ पर, और वो झरने से ये पूरा तालाब बनता है या झील बनती है, जो भी आपको नज़र आ रही है ये तो ऐसे एक झील ही है, और काफ़ी लोग उसको एक नदी भी समझते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा है तो इस कारण से इसको लोग नदी समझते हैं। ये एक झील है जो पूरे इगतपुरी को पानी सप्लाई करता है। अब आप देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है, चारों तरफ ग्रीनरी है, आप बिल्कुल आओ ऐसे पहाड़ों में और मज़ा लो इगतपुरी का, और ये यहाँ घूमने का मज़ा ही कुछ और है। बारिश के कारण मैं वीडियो में नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ कैमरा ब्लर हो रहा है बारिश से, इसलिए मैं आपको बैक कैमरे से ही दिखा रहा हूँ। आपको शायद बारिश से कुछ नज़र ना आ रहा हो तो आप थोड़ा सा उसके लिए क्षमा चाहूँगा, बट आप देखिए व्यू कितने प्यारे आ रहे हैं, बादल देखिए आप, पहाड़ देखिए, एक बार आप इसको भी देखिए पूरा व्यू झरने का और तालाब का, वो पहाड़ों में से आता है जो कि बारिश और फॉग बादलों के कारण आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो हम अपना आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।